क्या दोस्तों, आप भी देन ऐप के थ्रू शेयर खरीदना चाहते हो और होल्ड करके रखना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, पर आपको नहीं पता कि देन ऐप के थ्रू आप कैसे शेयर खरीद सकते हो और कैसे सेल कर सकते हो। तो जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर सर्च करो जिस कंपनी का शेयर को आपको खरीदना है ना, तो उस कंपनी का शेयर को आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों देखो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो आज के दिन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने तो आग ही लगा दिया ऑलमोस्ट कह सकते हो। तो यहाँ पर क्लिक करना है जैसे कि, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि आपको क्या करना है। पहले दोस्तों होम पेज में जाना है, उसके बाद सर्च का जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर देखो सर्च का ऑप्शन है, क्लिक करो इसमें। उसके बाद जिस कंपनी का शेयर को आपको खरीदना है उस कंपनी का शेयर को आप खरीदो। जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर है यहाँ पर, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर में हमने किया क्लिक। और उसके बाद दोस्तों देखो कि शेयर यहाँ पर सामने आ गया है। तो आप अगर आपको भी खरीदना है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें क्लिक करो बाय में और क्लिक हो करके आप अपना क्वांटिटी इंक्रीज करो कि कितना क्वांटिटी आपको खरीदना है। जैसे कि आपको अगर इंट्राडे करना है तो ट्रेडिंग में क्लिक करो, और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीदना चाहते हो, आपका कैपिटल से भी ज़्यादा, जितना आपके पास फंड है उससे भी ज़्यादा खरीदना चाहते हो, तो दोस्तों देन ऐप आपको सहायता करता है खुद पैसा देके। तो आप MTF में क्लिक करके कर सकते हो, और इसका एक डेडिकेटेड वीडियो हमने चैनल पर डाल के रखा है। तो अगर अभी तक नहीं देखा है आपने वो वीडियो, तो आप हमारा प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हो कि MTF का फ़ायदा कैसे उठाए। तो अब हम जानेंगे कि डिलीवरी में दोस्तों कैसे पैसा रख सकते हो, यानी डाल के। जैसे कि किसी भी कंपनी का शेयर को आप होल्ड करके रखना चाहते हो कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ वर्षों के लिए, यानी जितना भी टाइम के लिए हो, तो आप क्या कर सकते हो उस केसेस में, आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टिंग में क्लिक करके ही खरीदना दोस्तों, ना ट्रेडिंग में ना MTF में, ठीक है। तो आप चाहो तो इन्वेस्टिंग में क्लिक करके खरीद सकते हो। और अगर आप MTF के थ्रू भी खरीदना चाहते हो, आपके पास कैपिटल का कमी है पर आप चाहते हो कि देन ऐप से उधार लेके दोस्तों पैसा लगा के होल्ड करके रखना, तो भी कर सकते हो। तो वो कोई अलग वीडियो पर हमने बात किया है, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ जानेंगे कि अपने खुद के पैसे से खरीद के शेयर को होल्ड करके कैसे रखना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर पहले करना होगा इन्वेस्टिंग में क्लिक, और उसके बाद आप कितना शेयर खरीदना चाहते हो उस हिसाब से आप क्वांटिटी डाल सकते हो। जैसे कि मैंने दोस्तों ज़्यादा यानी दोस्तों ज़्यादा क्वांटिटी डाल दिया, इतना पैसा है ही नहीं मेरे पास, मेरे पास है ही 100 रुपीज़ का दोस्तों अमाउंट अभी प्रेजेंट टाइम में। और दोस्तों मैंने 5 दोस्तों क्वांटिटी डाल दिया, दैट मीन्स 25 × 5, दैट मीन्स 125 के आसपास होता है, जो मेरे पास इतना फंड है ही नहीं। तो दोस्तों मैं थोड़ा क्वांटिटी डिक्रीज करूँगा, ठीक है। तो 3 क्वांटिटी मैं खरीदता हूँ दोस्तों, 3 शेयर ही खरीद लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, 3 शेयर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो जो एरर है रेड वाला वो निकल गया है, यानी मैं खरीद सकता हूँ। तो अभी क्या करना है, आपको बाय में कर देना है क्लिक। तो इससे पहले मैं कहूँगा 2 शेयर ही खरीदते हैं हम, तो 2 शेयर ही खरीदते हैं, तो बाय में करो क्लिक दोस्तों। तो जैसे ही बाय में किया हमने क्लिक, तो साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मेरा जो शेयर है वो दोस्तों बाय हो गया। तो देख सकते हो मेरा शेयर जो है मैंने जैसे ही ख़रीदा साथ ही साथ वो बाय हो गया। तो दोस्तों ये डिलीवरी में हमने बाय किया है। तो दोस्तों हम चाहे तो इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रख सकते हैं, पर अगर आप सेल करना चाहते हो इसको, तो सेल में क्लिक करो। जैसे कि पहले क्या करना होगा आपको, यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ जिसमें जिस शेयर को सेल करना चाहते हो आप ऑर्डर में जाओ, ठीक है। यहाँ पर देखो दोस्तों ऑर्डर का एक ऑप्शन है होम पेज के साथ, यहाँ पर इसमें क्लिक करो। इसमें क्लिक करोगे उसके बाद शेयर का, हर एक शेयर का ऑप्शन आएगा। तो मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर को सेल करना चाहता हूँ, तो इसमें क्लिक करूँगा। उसके बाद व्यू डिटेल्स में क्लिक करूँगा। व्यू डिटेल्स में जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पर सेल का एक ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो सेल का एक ऑप्शन आया है, तो मैं सेल में करूँगा क्लिक। तो दोस्तों सेल में क्लिक करने के बाद मैंने किस ऑप्शन को सिलेक्ट करके ख़रीदा था, ट्रेडिंग में क्लिक करके ख़रीदा था, ना कि MTF में, ना कि दोस्तों इन्वेस्टिंग में। तो मैंने इन्वेस्टिंग में क्लिक करके पहले शेयर को ख़रीदा था। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो इस वीडियो को। तो मैंने इन्वेस्टिंग में क्लिक करके ख़रीदा था। तो इन्वेस्टिंग में क्लिक करके ही
मुझे सेल करना है। और कितना क्वांटिटी मैंने खरीद के रखा था इस कंपनी का शेयर को, दो क्वांटिटी यानी टू शेयर ही खरीदा था। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, मार्केट में क्लिक करके मार्केट के प्राइस में डायरेक्ट सेल कर दो, या तो लिमिट लगा सकते हो कि कितना भाव आप लगाना चाहते हो। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो कि इतना प्राइस जब होगा उसी टाइम ही मेरा शेयर जो है सेल होनी चाहिए। या तो आप दोस्तों यहाँ पर और भी चीज़ कर सकते हो, लिमिट प्राइस और दोस्तों यहाँ पर अपर प्राइस भी देख सकते हो। यानी अगर आपका जो शेयर है वो इस प्राइस से बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए तो उस प्राइस में आपका शेयर सेल हो जाना चाहिए, और अगर इस प्राइस से नीचे आ जाए यानी अपर का एक टारगेट और लोअर टारगेट आप लगा के सेट करके रख सकते हो कि ऊपर जितना ज़्यादा जाए तो ऊपर का प्राइस में वहाँ तक जाने के बाद ऑटोमेटिकली सेल हो जाना चाहिए, और नीचे अगर ज़्यादा से ज़्यादा आए तो कहाँ तक पहुँचने के बाद दोस्तों शेयर को सेल कर देना चाहिए। ये आप प्राइस यहाँ पर सेट यानी सेट कर सकते हो। तो इस ऑप्शन का भी बेनिफिट आप उठा सकते हो, लिमिट में भी बेनिफिट उठा सकते हो, और मार्केट का भी दोस्तों यहाँ पर क्लिक करके आप बेनिफिट उठा सकते हो। समझे कुछ? तो जैसे कि मेरे को सेल करना है अभी, तो मैं अभी इंस्टेंट सेल करना चाहता हूँ, ना कि इतना महंगा प्राइस में बनने के बाद सेल करना है, ना कि लो होने के बाद। प्रेजेंट मार्केट का अभी जो प्राइस है उसी प्राइस में मैं मेरा शेयर को सेल कर देना चाहता हूँ दोस्तों। तो जैसे कि मैंने जैसे ही क्लिक किया मार्केट में, और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर करूँगा सेल में क्लिक। आपका केसेस में शायद आप लिमिट प्राइस लगा के अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके सेल कर सकते हो, ठीक है? आप डायरेक्टली अगर मार्केट में क्लिक करके सेल करोगे तो फिर ये आप कर सकते हो। तो जैसे ही सेल में किया हमने क्लिक, तुरंत साथ ही साथ मेरा जो शेयर है दोस्तों वो सेल हो गया। देख सकते हो मेरा सेल जो है हो गया है सक्सेसफुल। तो दोस्तों आप भी सेल कर सकते हो, और कभी कभार सेल करते टाइम अगर कुछ दिन आप डिलीवरी में होल्ड करके रखोगे और उसके बाद सेल करने का कोशिश करोगे तो हो सकता है टी पिन जनरेट करने के लिए बताया जाए, तो आप टी पिन जनरेट करके वीडियो अलग कोई वीडियो देख लो कि टी पिन कैसे जनरेट करना पड़ता है, और उसके बाद सेल कर दो, क्योंकि हमारा चैनल पर यह वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो आप हमारा चैनल के थ्रू भी देख सकते हो कि टी पिन कैसे जनरेट करना पड़ता है दोस्तों, और टी पिन जनरेट करने के बाद कैसे आप इजीली सेल कर सकते हो, ठीक है? तो आपको ये भी पता चल गया कि डिलीवरी के थ्रू कैसे आप शेयर को बाय कर सकते हो, कैसे आप शेयर को सेल कर सकते हो। और एक वीडियो भी दोस्तों प्लेलिस्ट में है जो है कि दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग का, यानी दैट ऐप में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो दोस्तों। तो अगर आप ने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो देख लेना दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके। तो देन आपका हर एक ट्यूटोरियल आने वाला है, तो प्लेलिस्ट में अपडेटेड रहना दोस्तों ज़रूर।